हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनविजिबल बाबा में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दे ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस तुरंत मिल जाएं। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, और जिन लोगों को पता होता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है वो लोग इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं या फिर कन्फ्यूज रहते हैं कि हम कौन से वाले फंड में पैसा लगाएं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक भाषा का यूज़ करेंगे ताकि आप सबको समझ आ जाए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का बेनिफिट कितना होता है, यानी कि आप लोग कितने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के। मान के चलते हैं कि आप लोग चार दोस्त हो और आप में से किसी के पास भी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है, क्योंकि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है बहुत महंगा, 800 रुपये का उसका सब्सक्रिप्शन है। अब आप चार लोगों के पास 800 रुपये नहीं है ताकि आप लोग अपना अपना सब्सक्रिप्शन ले पाओ, इसलिए आप लोग क्या डिसाइड करते हो, आप लोग ये बोलते हो कि चलो एक काम करते हैं, जिसपे जितना पैसा है उतना पैसा टेबल पे रखते हैं और 800 रुपये पूरे होते साथ हम लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे और आपस में बांट लेंगे। पहले बंदे ने 400 रुपये दिए क्योंकि उसके पास 400 रुपये थे, दूसरे बंदे ने 100 रुपये दिए, तीसरे बंदे ने 250 रुपये दिए और चौथे बंदे ने 50 रुपये दिए, टोटल हो गया 800 रुपये। आप लोगों ने अपने सारे पैसे मिलाकर एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीद लिया, और जरूरी भी नहीं था कि सबके पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए, जिस पे ज्यादा थे उसने ज्यादा दिए, जिस पे कम थे उसने कम दिए, लेकिन हमने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया। ऐसे ही कुछ काम करता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, सब लोगों की अलग अलग अमाउंट इकट्ठी करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि बहुत बड़ा हो सकता है, उन सब से अलग अलग पैसे लेते हैं, कोई 500 रुपये देता है, कोई 1000 रुपये देता है, कोई 5 लाख देता है, कोई 20,000 देता है, तो अलग अलग अमाउंट सबकी इकट्ठे करके एक साथ शेयर मार्केट में लगाते हैं या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं या फिर और भी कई जगह लगाते हैं, और जिस बंदे ने जिस हिसाब से पैसा दिया था, जिस रेशियो में दिया था, उसी हिसाब से उसको रिटर्न मिलती है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर एक प्लॉट है जो 5 करोड़ रुपए का है लेकिन आप लोग नहीं खरीद सकते हो, 5 करोड़ आपके पास नहीं है, तो आप लोग 4-5-7 लोग मिलके अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके उस प्लॉट को खरीदते हो 5 करोड़ में, और जब वो प्लॉट 6 करोड़ रुपए का बिकता है तो आप लोगों ने जिस हिसाब से पैसा लगाया था उसी हिसाब से आपको शेयर बढ़ जाता है, यानी कि आप जितना ज्यादा पैसा लगाएंगे उतना ज्यादा आपका शेयर और जितना कम पैसा लगाएंगे उतना कम आपके पास शेयर। अब म्यूचुअल फंड में ये सब करता कौन है और कौन डिसाइड करता है कि मैं पैसा कहाँ पे लगाऊं, कौन से शेयर्स पिक करूं, क्या करूं? बेसिकली होता क्या है, हर म्यूचुअल फंड का अपना अपना एक फंड मैनेजर होता है। हर म्यूचुअल फंड, जितने भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं इंडिया में, उन सबके अपने अपने फंड मैनेजर्स होते हैं जो बेसिकली एक्सपर्ट होते हैं अपनी लाइन में, जिनको पता रहता है कि मैंने कितना पैसा कहाँ लगाना है, कितना पैसा कहाँ लगाना है और कैसे कैसे करके पैसा इसमें वापस आएगा और हमें रिटर्न आएगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब आपको मोटा मोटा आइडिया लग चुका है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब बात करते हैं हम कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, यानी कि कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में आपसे 3 मेन म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाला हूं। पहला म्यूचुअल फंड होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी कि ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, अलग अलग कंपनीज के शेयर खरीदते हैं वो लोग, जो उनको लगता है कि बढ़िया चलेगा उस पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड होते हैं डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें काफ़ी कम रिस्क होता है। अब अगर मैं बात करूं इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड की, तो इन दोनों में बेसिक फर्क ये है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं थोड़े से ज़्यादा रिस्की होते हैं, इसीलिए उनमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है, और जो डेट म्यूचुअल फंड होते हैं वो बहुत कम रिस्की होते हैं, यानी कि रिस्क फ्री मान लीजिए आप, लेकिन उसमें जो रिटर्न मिलता है वो भी हमें बहुत कम मिलता है, ना के बराबर मिलता है। तो ज़्यादा फायदा है इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और जो तीसरे प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं वो होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। वो क्या करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा इक्विटी में लगाते हैं, यानी कि शेयर मार्केट में लगाते हैं, और दूसरा सर्टेन पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में लगाते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं और अलग अलग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। अब सबसे मेन बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में, क्या बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का, क्या फायदे हैं आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के। सबसे पहली बात, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है ये, मतलब रिस्क होता है लेकिन इतना भी रिस्क नहीं होता कि आपका पैसा जीरो हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, वैसे तो बढ़ता ही है म्यूचुअल फंड में पैसा, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट होते हैं फंड मैनेजर्स अपनी लाइन में, इनको पता होता है कि पैसा कैसे और कहाँ लगाना है। तो पहली बात, आप लोग बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करते हो विदाउट एनी नॉलेज, आप लोग अपने मन से कोई डिसाइड नहीं करते कि कौन सा शेयर खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना, आपको कोई भी नॉलेज नहीं है तब भी आप लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है टोटली, पहला फायदा है इसका ये।
और दूसरा इसका फायदा ये है कि ये मंथली रेगुलर इन्वेस्टिंग है। इसमें क्या है, दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, या तो आप लमसम में पैसा लगा दो किसी म्यूचुअल फंड में, या फिर आप उसकी SIP करा लो जिसको बोलते हैं मंथली रेगुलर इन्वेस्टिंग। इससे ये बेसिकली ये फायदा होता है कि आपने एग्जांपल के तौर पे 500 या 1000 रुपए डिसाइड करा कि मैं म्यूचुअल फंड में हर महीने लगाऊंगा, तो ऑटोमेटिक आपके बैंक से वो पैसा कटता रहेगा और ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता रहेगा, जिससे आपकी लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से आपको बहुत अच्छा फायदा होगा और साथ ही साथ आपकी आदत भी बनेगी पैसा सेव करने की और पैसा इन्वेस्ट करने की। एंड तीसरा इसका जो फायदा है, जो बहुत ही बढ़िया फायदा है, नो टाइम नीडेड। इसमें आपको एक मिनट भी नहीं देने, बस आपने आज डिसाइड कर लिया कि मैं इस वाली कंपनी में हर महीने इतने रुपए लगाऊंगा या फिर लमसम में इतने रुपए डालूंगा, उसके बाद आप भूल जाओ, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बार बार इसमें कुछ चेकिंग नहीं करनी, ये नहीं देखना कि क्या परफॉर्म कर रहा है क्या नहीं परफॉर्म कर रहा, बस आपने एक बार पैसा लगाया, अब आप साल में एक बार चेक कर सकते हैं या फिर दो साल में एक बार चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा कितना ज़्यादा ग्रो हुआ। तो मैं सब लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाओ, स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाओ, FD भी कराओ, सब कुछ कराओ, लेकिन उसका रेशियो आपको पता होना चाहिए। और म्यूचुअल फंड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी इन्वेस्टिंग में, तो म्यूचुअल फंड में तो हर किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप लोग ये सोचोगे कि इन्वेस्ट करें कहाँ, कौन सा म्यूचुअल फंड डिसाइड करें, कौन सा नहीं करें, तो अगर आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हो म्यूचुअल फंड के बारे में और म्यूचुअल फंड का एक कोर्स करना चाहते हो, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एक ऐसा कोर्स है यहाँ पे ऑनलाइन जिसको आप अपने घर बैठे बैठे कर सकते हो, जिसका कि नाम है म्यूचुअल फंड मेड इजी इन हिंदी। हिंदी में टोटल पूरा कोर्स है, वैसे कोर्स की फीस जो है वो 1000 रुपये है, लेकिन आप लोगों के लिए ये कोर्स मिल रहा है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे एक रुपया भी नहीं लिया जाएगा, ये कोर्स आपको टोटली फ्री मिल जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पे आप लोग क्लिक करें और मेरा कूपन कोड डालें IVB100। इस कूपन कोड को डालने के बाद आप लोगों को ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ये कोर्स elearnmarkets.com पे है। ऑलराइट, जब आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऐसी कुछ स्क्रीन आके खुल जाएगी जिसपे लिखा है म्यूचुअल फंड अब हुआ आसान। तो यही कोर्स है, इस कोर्स के लिए आपको 3 साल की वैलिडिटी मिलने वाली है। आप यहाँ पे एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे, अभी यहाँ पे प्राइस दिखा रहा है 1000, लेकिन अभी यहाँ पे 0 हो जाएगा। एनरोल नाउ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा, आप लोग इसमें रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को, ईमेल से करें या फेसबुक गूगल से करें, ये आपके ऊपर है। जैसे ही आप लोग अपनी ID में लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये ऐसी करके स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा टोटल अमाउंट पेएबल 1000, लेकिन अब आप मेरा डिस्काउंट कूपन डालेंगे तो आपको एक कोर्स फ्री में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे कूपन कोड वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है मेरा कूपन कोड जिसका कि नाम है IVB100। अप्लाई करेंगे इसको। अब आप देख सकते हैं मेरा कोड डालने के बाद ये कोर्स आपके लिए हो गया है बिल्कुल फ्री, टोटल अमाउंट पेएबल आ गई है 0। अब आपको यहाँ पे स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करना है, गो टू माय अकाउंट पे जाना है, उसके बाद आपको माय कोर्सेज वाले सेक्शन में आपके सारे कोर्स दिख रहे होंगे, तो ये कोर्स आ चुका है सेक्शन में। अब मैं यहाँ पे सीधा क्लिक करूँगा तो आप ये देख सकते हैं ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है और इसके पूरे सेक्शंस बने हुए हैं, इसमें अलग अलग 10 सेक्शन हैं टोटल। तो ऐसे करके आप लोग इस कोर्स को फ्री में पा सकते हैं, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि एक तो फ्री में है और आपको काफ़ी सारी वैल्यू मिल रही है, 1000 रुपीज़ का कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।